साडा कोई मर जाता है, कोई फौत हो जाता है तो सानू कफन भी लैना औखा हो जाता। अल्लाह के बंदे कि ग्रेडी ना पटा लिया जे मेरे को, मैं वह बंदा जे जिन्हें जमीन लोगों के उत्तर लिया ने। जे नहीं कट कर सकते चली जाए इमरान खान आन दे, क्यों नहीं आन दें भाई इमरान खान, एक सच्चे इंसान क्यों नहीं आन दें। इन्ना ही आ नहीं आता है, तीन गिलास इन्हें सारा दिन असं कमाते हैं, देखो असं बिल नहीं पता कर सकते। बिल माफ करो इन्होंने पाउंदे जे पै, नहीं तो ग्रेड ना पटा लिया जे कितने 200 दे उत्ते जो यूनिट हो जांदा साडा ते जनाब हुकूमत की करदी पई है, 9000 10000 13000 तक साडा बिल आउंदा पिया है। आवाम परेशान, बहुत ज़्यादा बिलों का परेशान है। हुकूमत को चाहिए है कि कट करे, जे नहीं कट कर सकते चली जाए इमरान खान आन दे, क्यों नहीं आन देती भाई इमरान खान, एक सच्चे इंसान क्यों नहीं आन देती भाई। यह है साडा कारोबार, देख लो तुसी कारोबार, हुकूमत कुछ तो ही आ करे साडे वास्ते, कुछ साडे मुसलमानों वास्ते सोचे, भैने भरा वास्ते, हर किसी वास्ते सोचे। यह कारोबार है, यह देखो यह तीन गिलास रखे ने हुकूमत, इन्ना ही आ नहीं आता, तीन गिलास इन्हें सारा दिन असं कमाते हैं, देखो असं बिल नहीं पता कर सकते। 200 यूनिट का इन्होंने किया असं फरी देना, इन्होंने कोई फरी नहीं दिता, इन्हें बिल भेज दिता वे, बिल कितना बिल लैके आ मुंडा, बिल लैके आता देखो जी 30000 का बिल भेज दिता इन्हों, इन्हों थोड़ी बहुत तो सोचनी चाहिए, छोटा जहा कारोबार है। असं सुबह 5 बजे उठते हैं तो जाते हैं तो रात 3 बजे आते हैं। आप देखना पाकिस्तान में हम सब भी रहते हैं, ठीक है, हम सब जॉब करते हैं, ठीक है, हमारी सैलरी जितनी है ना उसमें हमारा घर का खर्च भी नहीं चलता ठीक से, ठीक है, तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बिल दे रही है, इतना ज़्यादा बिल दे रही है कि हम अपनी सैलरी तक नहीं दे, सैलरी में से बिल नहीं पे कर पा रहे, ठीक है। हमने अपना रेंट भरना होता है घर का, ठीक है, रेंट भरना होता है, उसके बाद में हमने बाद में अपने खर्चे, बच्चों के खर्चे, सबके सबका हमने देखना होता है, ठीक है, तो हमारी सैलरी में उतनी ज़्यादा नहीं है जितना हमारा बिल आ रहा है। काइंडली हमारे साथ खड़े हों तो हम कोऑपरेट करें आपके साथ। महंगाई इन्नी वध गई कि समझ तो बाहर हो गया, तो असी जड़ा ना इन्हों सोच सोच के समझ तो इवें लगता है कि असी घर में वड़ ही नहीं सकने, घर तो बाहर हाँ तो परेशान हाँ, घर के अंदर हाँ तो परेशान हाँ, बिजली का बिल बड़ा है, तो थोड़ा बहुत नहीं मतलब किसी गरीब न कोई किसी किस्म का हिसाब किया जाए, लेकिन यह कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो, लेकिन कुछ तो सोचना पेगा इन्हों, कुछ तो सोचना पेगा ना, माड़े है साड़ी दिहाड़ी है जी, उत्थे ही है 1200 रुपया 1000 रुपया, वह भी वह कहते हैं भी 1000 रुपया भी असं तुम्हें ज़्यादा दे दिता, लेकिन शाम को जो घर जाने साड़ी जेब पैसे नहीं होंगे, साडा कोई मर जाता है, कोई फौत हो जाता है तो सानू कफन भी लैना औखा हो जाता है। बिजली के बिल आवाम नू इन्ने गा रहे कि आवाम अपने आप तो बड़ी तंग वा, कि माड़े बंदे लोग गुजारा करते, मेहनत मजदूरी, मैं आप रिक्शा चलाना वा, मैं 2500 रुपया बिल आया वा, जानी इस हिसाब ना तुसी आप हिसाब ला लो, साडी आमदनी 500-700 रुपया वा, तो बिजली के बिल 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया माड़े बंदे नू आ रहे हैं। और इस वास्ते आवाम मरियम नवाज वज़ीरे आला नू गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करे, कोई तावन करे माड़े बंदे वाम मारी आ, कि इन्होंने मेहरबानी और शफकत की जाए, साड़ी यही गुजारिश हो सकती और असं की कर सकते हैं। मेरा घर जल गया, बच्चे मेरे मुहताज हैं, मैं बीमार आदमी, बिल ही बहुत आ रहा है बिजली का, महंगाई बड़ी है जी, मकान का किराया नहीं दे पाया, कोई साढ़े हाल से रहम करो, अल्लाह ताला तुम खुश रखे। या हमारी छोटा सा कारोबार है तो 200 यूनिट से एक भी ऊपर जाएगा तो 9-10 हज़ार रुपये बनता है, तो हम किस तरह पूरा करें, हम इस वजह से बहुत परेशान हैं। हमारी सैलरियाँ बहुत कम है,
और 30-35 हज़ार रुपये बिल बन जाता है, तो हम बहुत मुश्किल में इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि हमारे पर कुछ सिला रहमी करें। हमारा कारोबार है बिल्कुल छोटा सा है और इसमें 15 से 20-30 हज़ार रुपये बिल आ जाता है और हम इस बिल को किस तरीके पे करें, बहुत मुश्किल से हम पे कर रहे हैं और बहुत परेशानी है हमें। हुकूमत को चाहिए हमारे लिए कोई रिलीफ दें और रिलीफ में हमको कोई ना कुछ ना करना चाहिए। हमारा एक छोटा सा कारोबार है, हम इस कारोबार में इतना सा कारोबार कर रहे हैं और इसमें हम बिल को किस तरह पे करें और किस तरह अपनी वो बच्चों को पालें, हम बहुत परेशान हैं। इसके हुकूमत को चाहिए हमारे लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट करें और हमारे लिए कुछ करें। हम इसको बिल को पे नहीं कर सकते, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि देखें हमारा एक घरेलू है उसमें 30-35 हज़ार रुपये बिल आ जाता है, हम उस बिल को पे नहीं कर सकते। बराए मेहरबानी करके हुकूमत को चाहिए हमारे साथ कोई ना कोई रिलीफ करें। बिजली के बिल पे बात करने बहुत परेशान है, बिजली की वजह से हर दफ़ा भाई ये कभी 60 हज़ार आते हैं, कभी 65 हज़ार आते हैं, ठीक है हमारा तो इतना सैलरी भी नहीं है, ठीक है तो बिजली के सेट से बहुत परेशान है। तो बड़े मेहरबानी होगा अगर बिजली का बिल इंतज़ाम कुछ हो गया ना तो बहुत अच्छा बात होगा। लोग बहुत परेशान है, सिर्फ मैं नहीं परेशान, लोग सारा लोग परेशान है कि यार बिजली का बिल, सिर्फ बिजली का बिल नहीं वो गैस के बिल भी है, सब कुछ महंगाई है और बिजली का तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मसला है, मतलब बहुत टेंशन है। हमारा तो इतना सैलरी भी नहीं है, गरीब लोग है, सही है जो बिल नहीं बिजली तो बेचारे जो गरीब लोग ने उन्होंने देने वास्ते बड़ा मुश्किल हो जाता उन्होंने, तो हर वक्त आते हैं वजीर आजम नवाशी वगैरह दौर से कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब गरीब आम का कुछ भी नहीं सोचते, हर कोई अपने मतलब वो ला के बैठे नहीं खोते इंजॉय एसी वगैरह के भी, तो जो गरीब बंदे जड़े ने वह बेचारे मजबूर ने बिल उन्होंने देने देने भावें रोटी खान या ना खान।